हाई एवरीवन, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू माई चैनल। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और क्लीनिंग सीरीज़ में मैं लेकर के आई हूँ आपके लिए एक और एपिसोड, जिसमें मैं शेयर करूँगी आपसे कि डेजर्ट कूलर और इंडक्शन कुकटॉप को किस तरीके से क्लीन करें घर पर ही बिना कोई पैसे खर्च किए। बट ब्लॉग शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट, अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, इट्स कम्प्लीटली फ्री। बेल आइकन को हिट करें ताकि आपको फ्यूचर वीडियोस के नोटिफिकेशन मिले और आप सबसे पहले मेरी वीडियोस देख पाएं। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी। तो चलिए, यहाँ पे सबसे पहले मैं शुरू कर रही हूँ कूलर से। तो डेजर्ट कूलर है ये मेरा, क्रॉम्पटन का 55 लीटर्स का। तो मैंने ये निकाल करके अभी बाहर रख लिया है, थोड़ा सा स्पेस मिल जाएगा मुझे क्योंकि सारे पैनल्स निकालने पड़ते हैं तो, और घर के अंदर इतनी सारी क्लीनिंग हो नहीं सकती। तो बिफ़ोर क्लीनिंग मैं आपको एक बार रिव्यू दे देती हूँ। तो देखिए, ये हैं इसके लेफ़्ट और राइट साइड के पैनल्स हनीकॉम वाले, जो कि बहुत ही ज़्यादा डस्ट पार्टिकल से भर गए हैं। बाहर की एयर जब कूल होने के लिए यहाँ से पास होती है ना, तो जितने भी डस्ट पार्टिकल्स होते हैं एयर में, वो सारे के सारे आकर के यहाँ पे चिपक जाते हैं और धीरे धीरे करके ये इतना ज़्यादा क्लटर्ड हो जाता है कि हवा भी ठीक से कूलर नहीं देता है, और इवन हवा ना कूल एयर भी नहीं देता, ठंडी हवा भी नहीं देता। तो इसलिए इनको ना टाइम टू टाइम क्लीन करना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे मैं इसकी क्वार्टरली क्लीनिंग कर रही हूँ। 3 महीने पहले जब मैंने ये निकाला था तो ये एकदम साफ़ सुथरा था, जब मैंने इसको साफ़ करके रखा था सीज़न के बाद। तो अब 3 महीने बाद की मैं इसकी क्लीनिंग कर रही हूँ। वैसे मैं इसको डेली ही जो गीला कपड़ा होता है ना उससे साफ़ कर देती हूँ, बट कई बार होता है ना इक्विपमेंट्स को क्वार्टरली क्लीनिंग और एनुअल मेंटेनेंस ये सब चाहिए ही होता है, तो बस वही मैं यहाँ पे कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने ये बड़ा वाला पैनल निकाल लिया है जो सबसे पीछे होता है। इसमें ऊपर की तरफ 5 स्क्रूज होते हैं जो कि बहुत ईजीली निकल जाते हैं, हाथ से ही खुल जाते हैं, कोई टूल की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो वो मैंने कर लिया है। और यहाँ पे हनीकॉम को फिक्स करने के लिए 2 स्ट्रिप्स होती हैं, इनके ऊपर भी स्क्रूज होते हैं, तो इनको भी मैं स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से ओपन कर लूँगी। और अब केयरफुली ये जो हनीकॉम इस ब्लाइंड के अंदर फंसा हुआ है ना, मैं इसको निकाल लूँगी। बहुत ही केयरफुली इसको निकालना है, अदरवाइज़ ये टूट जाता है, यहाँ से बीच से क्रैक हो जाता है, तो फिर ये फिक्स होने में बहुत ही प्रॉब्लम करता है। तो बहुत ही केयरफुली मुझे इसको निकाल लेना है। तो ये पीछे की तरफ वाला पैनल है, सबसे बड़ा यही होता है, तो यहाँ पे क्लीनिंग मैं इसी वाले पैनल से स्टार्ट कर रही हूँ। तो ये देखिए, मैंने बहुत ही केयरफुली इसको निकाल लिया है। एक्चुअली ये बीच में भी ना स्क्रूज से फिक्स रहता है, तो थोड़ा सा ना ध्यान से ही निकालना पड़ता है, टूट जाता है तो फिर ये इजीली फिक्स होता नहीं है। और ये देखिए, पीछे से ये कितना ज़्यादा डस्ट पार्टिकल से भर गया है। तो यहाँ पे मैं लेकर के आई हूँ अपना वैक्यूम क्लीनर, मेरा यूरेका फोर्ब्स का वैक्यूम क्लीनर है। मैंने अपनी विंडो क्लीनिंग वाली जो वीडियो शेयर करी थी उसमें भी मैंने आपको दिखाया था अपना ये वाला वैक्यूम क्लीनर, और ये वाला अटैचमेंट मैं वही सेम यूज़ कर रही हूँ जो मैंने विंडो क्लीनिंग में आपको दिखाया था। ये आगे से ओवल शेप का है, तो मैंने इसको ट्यूब में फिक्स कर लिया है और अब इसी से मैं ये हनीकॉम के पैनल्स जो हैं साफ़ कर लूँगी। वैक्यूम क्लीनर से साफ़ करना बहुत इजी होता है, इधर उधर कहीं भी डस्ट फैलती नहीं है, वो आराम से वैक्यूम कर लेता है अंदर, और डस्ट बैग जो डस्ट कलेक्टर बैग होता है ना उसमें जाकर के सारी गंदगी जमा हो जाती है, फिर बाद में उसको आराम से वॉश कर सकते हैं साफ़ करके। तो धीरे धीरे करके मैं यहाँ पे जो है ये वैक्यूम क्लीनर से ही इसको सारा साफ़ कर लूँगी। तो देखिए, साइड में आप देख सकते हैं जो फर्स्ट वाला पैनल इधर की तरफ क्लीन हो गया है। तो यहाँ पे मैंने काफ़ी हद तक जो डस्ट पार्टिकल्स थे, गंदगी थी, धूल जमा हो गई थी, वो मैंने हटा दी है। बट अभी भी मुझे अभी इसमें नेक्स्ट प्रोसेस करना है फॉलो।
तो वैक्यूम क्लीनर का काम मेरा इतना भर हो चुका है, तो यहाँ से मैंने इसको क्लीन कर दिया है। अब मेरे पास है ये एक ब्रश, ये कपड़े धोने वाला जो नॉर्मल ब्रश होता है ना वही है, बहुत हार्ड नहीं है, एकदम सॉफ्ट वाला है, यानी कि ये ना ब्रश बहुत ज़्यादा यूज़ हो रखा है इस वजह से ना थोड़ा सॉफ्ट हो गया है, तो वही वाला ब्रश मैंने लिया है। और अब इसे हल्के हल्के स्क्रेप कर दूंगी मैं ऊपर से, तो जो ये वाइट वाइट कलर की भी आपको डस्ट दिख रही है ना, ये इससे एकदम से साफ़ हो जाएगी, और जितना भी और भी नीचे की तरफ गंदगी रह जाती है जो वैक्यूम क्लीनर से उतनी आसानी से नहीं निकल पाती है, तो वो भी इससे आराम से साफ़ हो जाएगी। तो इस तरीके से स्क्रेप करने के बाद ब्रश से मैं इसको उल्टा करके हल्का सा झाड़ दूंगी, तो इस सारी की सारी जो धूल है वो निकल आएगी। तो ये देखिए, अच्छे से ऐसे इसको टैप टैप कर देना है, तो बाकी की बची हुई धूल भी निकल आती है, और इसके जो पोर्स होते हैं ना जहाँ से जो फ्रेश एयर होती है वो अंदर की तरफ आती है कूलर में, वो सारे पोर्स खुल जाते हैं इसके आराम से। अब बारी आती है इसको वापस फिक्स करने की, और आई कांट टेल यू कि ये इसको निकालना जितना आसान था ना, मैंने इजीली इसको निकाल तो लिया, बट उतना ही मेरे लिए मुश्किल था इसको फिक्स कर देना वापस से, क्योंकि बैठ ही नहीं रहा था ये ठीक से ना, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी। यहाँ पे मैंने आपको बहुत छोटी सी क्लिप दिखाई है कि एकदम से फिक्स हो गया, बट एक्चुअली मैं ये इतनी जल्दी फिक्स हुआ नहीं था, मुझे काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी इसको फिक्स करने के लिए। कई बार तो मुझे लगा कि शायद मैंने उल्टा लगा दिया है, तो इधर उधर पलटने के बाद फिर फाइनली ये एक जगह पे जाके फिक्स हो गया, और मुझे फिर आइडिया लग गया कि पेच कहाँ पर लगने हैं, स्क्रूज़ कहाँ पर लगने हैं, तो फिर मैंने वो स्क्रू आराम से मैंने फिर लगा दिए थे। तो ये सब चीज़ों के लिए ना एक और हेल्प होनी ही ज़रूरी है, तो फ़िलहाल तो मैं यहाँ पे अकेले ही कर रही थी। तो ये सबसे बड़ा वाला पैनल है जो पीछे की तरफ है, तो ये क्लीन हो गया ना एक बारी में, और मुझे अच्छे से इसको साफ़ करने में 20 से 25 मिनट लग गए थे, तो सबसे ज़्यादा टाइम मुझे इसी वाले पैनल में लगा, तो मैंने सबसे पहले इसी को पिक किया। उसके बाद जो ये इसके साइड्स के एरिया है ना जहाँ से इसको बंद करते हैं, मैंने उनको भी अच्छे से साफ़ कर दिया था, धूल वहाँ पर भी जम जाती है, तो चारों कोनों पे मैंने इसका अच्छे से साफ़ कर दिया। और जो इसका फ्रंट वाला ब्लाइंड है ना जहाँ पे मैंने हनीकॉम को फिक्स किया है, उसको भी मैंने अच्छे से साफ़ कपड़े से साफ़ कर दिया था, तो ये एकदम से बढ़िया से क्लीन हो गया। और मैंने ब्लाइंड को और जो हनीकॉम है ना उसको बड़े ध्यान से केयरफुली फिक्स किया था ताकि टूट ना जाए, तो और ही मुसीबत हो जाती है फिर। उसके बाद मैंने ये जो लेफ़्ट और राइट साइड के पैनल्स हैं ना ये मेरे से खुल नहीं रहे थे बिकॉज ऑफ दिस फैन, कि ये बीच में लगा हुआ है और यहाँ पे हाथ जाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा था, तो मैंने हस्बैंड को बुलाया, तो उन्होंने मेरी हेल्प करी यहाँ पे। ये जो दो स्ट्रिप्स लगी हुई हैं पैनल्स के ऊपर, इनके ऊपर जो स्क्रूज़ हैं उनको खोलने के लिए, तो उन्होंने ईजीली खोल दिया था ट्रिक लगा करके, अंदर की तरफ से हाथ डाल करके, तो इजीली खुल गया था वो, दोनों तरफ खोल करके उन्होंने मुझे ये पैनल्स दे दिए थे। तो मैंने सेम ही मेथड से इनको भी साफ़ कर लिया था, पहले मैंने वैक्यूम क्लीनर से किया है, उसके बाद मैंने सेम ब्रश से इसको अच्छे से स्क्रेप करके इसकी सारी की सारी जो धूल है वो मैंने निकाल दी थी। तो देखिए ये वाला जो नीचे वाला है ये साफ़ वाला है, और ऊपर वाला देखिए अभी भी गंदा है, तो उसको मुझे साफ़ करना है। तो यहाँ पे एक हो गया साफ, अब ये दूसरे की बारी है। इसको पहले मैं ब्रश से कर रही हूँ अच्छे से स्क्रेप करके। तो वैक्यूम क्लीनर ना हो आपके पास तो इस तरीके का अगर ब्रश है, तो ये वाला ब्रश तो नॉर्मली हर घर में मिल जाता है कपड़े धोने वाला, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होना चाहिए, सॉफ्ट ही रहना चाहिए ताकि हनीकॉम पैनल को कोई भी डैमेज ना हो जाए, उसके जो पोर्स हैं वो बंद ना हो जाए ज़्यादा हार्ड ब्रश यूज़ करने से। तो इस वाले ब्रश से आप आराम से कर सकते हैं अगर आपके पास वैक्यूम क्लीनर अवेलेबल नहीं है। तो स्क्रेप करने के बाद मैंने इसको अच्छे से झाड़ लिया है, तो देखिए इस तरीके से भी आप सारे के सारे जो डस्ट धूल मिट्टी रहती है ना वो आराम से निकाल सकते हैं। और मैं ना आपको यहाँ पे इसको अच्छे से इकट्ठा करके दिखा देती हूँ कि कितनी धूल निकली है इसमें से। ये देखिए कितनी ज़्यादा धूल इसमें इकट्ठा हो गई थी यहाँ पे,
बचा हुआ एरिया भी मैं इसी तरीके से साफ कर लूंगी। कई बारी लोग इसको एसिड से भी साफ करने की कोशिश करते हैं, शायद उससे साफ हो जाता होगा, आई डोंट नो, बट बहुत ज़्यादा रिस्की है वो वाला मेथड, बिकॉज स्किन पे अगर एक भी आपकी ड्रॉप गिर गई एसिड की तो काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया है इसको, और देखिए अब इसके पोर्स खुल गए ना, तो आर पार आप देख सकते हैं, पीछे की तरफ से पूरा फ्लोर आपको दिख सकता है कि इसके पोर्स अच्छे से खुल गए हैं। अगर इस तरीके से हनीकॉम्ब पैनल के पोर्स खुले रहते हैं ना, तो आराम से एरेशन होती है अंदर बाहर, और कूलर जो है ठंडी हवा देता है हमेशा। तो पैनल्स हो गए हैं साफ, और लेफ़्ट और राइट के जो ये ब्लाइंड्स रह गए थे, मैंने इनको अच्छे से हल्के से गीले कपड़े से साफ़ कर दिया है। बहुत ज़्यादा सूखा भी ना रहे, क्योंकि सूखे कपड़े से धूल मिट्टी साफ़ होती नहीं है, वो बार बार उस पर लगती रहती है। तो हल्का सा मैंने गीला किया है, और ऊपर नीचे मैं अच्छे से इसको साफ़ कर लूँगी। उसके बाद हस्बैंड ने जो ये अंदर की मशीनरी के ऊपर जो धूल रहती है पंखे की वजह से जो आ जाती है, और साथ ही जो फ़ैन के ब्लेड्स हैं, इनको भी सबको अच्छे से साफ़ कर दिया था, और इन के ऊपर भी बहुत ज़्यादा धूल जमा हो गई थी। तो क्वार्टरली क्लीनिंग करने से ना काफ़ी ज़्यादा इक्विपमेंट्स की लाइफ बनी रहती है, काफ़ी ज़्यादा टाइम तक वो वर्क करते हैं, फंक्शनैलिटी उनकी अच्छी चलती रहती है। उनको ग्रीस कर दें, सफाई कर दें, डस्ट वगैरह मिट्टी वगैरह सब हटा दें, तो हर इक्विपमेंट ना अपने टाइम पे एक मेंटेनेंस मांगते ही मांगते हैं, चाहे आप क्वार्टरली कर लें, चाहे आप उसको एनुअली कर लें, या आप 6 मंथ में एक बार कर लें। तो डिसाइड कर लें कि आपका इक्विपमेंट कैसा है, उस हिसाब से आप अपना जो क्लीनिंग शेड्यूल है उसको तैयार करें। तो यहाँ पे अंदर का सब कुछ साफ करने के बाद हनीकॉम्ब पैनल लगा रहे हैं हस्बैंड। तो इधर का लग चुका है लेफ्ट साइड का, अब राइट साइड का लगा रहे हैं। तो इक्वली डिफ़िकल्टी उनको भी वही आई जो मुझे आई थी, इजीली पैनल्स नहीं लग पाए थे, तो बड़ी मशक्क़त के बाद फिर ये लग गए थे। तो मैं आपको दिखा देती हूँ, अब देखिए कितना ज़्यादा ये साफ सुथरे अब लग रहे हैं। तो अगले 3 महीने तक ये आराम से काम करने वाले हैं। अंदर की मशीनरी की सफाई भी हो चुकी है, जिस स्टैंड के ऊपर ये फैन ब्लेड्स हैं उस स्टैंड की सफाई हो गई है, अंदर की जो ये वाटर ट्यूब्स हैं इनकी सफाई हो गई है, और अब बारी आती है ये वाटर टैंक क्लीन करने की। तो इसको मैं अच्छे से पानी का प्रेशर देकर के साफ़ कर लूँगी। पुराना पानी मैंने इसमें से निकाल दिया है, रीज़न कि बारिशें लगी हुई हैं काफ़ी टाइम से, 2-3 हफ्ते हो चुके हैं, और पानी इसमें पहले से ही भरा हुआ था, तो उस पानी को यूज़ करना भी ठीक नहीं है, तो उसको मैंने निकाल दिया था। और अभी पता नहीं कितने टाइम तक और कूलर नहीं चलने वाला है, तो मैं इसको खाली ही रखने वाली हूँ, क्योंकि इसमें हम फ्रेश पानी भरते हैं जो सप्लाई का आता ना, उसमें मिट्टी आती है डायरेक्टली, थोड़े थोड़े ना मिट्टी के पार्टिकल्स आते हैं, तो आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा इधर उधर दिख भी रहा है वो पीली पीली, तो उस वजह से भी नीचे की तरफ ना उसके सरफेस में मिट्टी जमा हो जाती है, तो उसको भी साफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है, अदरवाइज़ वो वाटर पंप के ऊपर जमने लग जाती है, जिससे वाटर पंप की लाइफ जो है वो कम हो जाती है और वो जल्दी ख़राब हो जाता है। तो वाटर टैंक मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है, मैंने इसको भरा नहीं, इसको खाली छोड़ दिया है। उसके बाद जो अपर बॉडी है इसकी, आउटर बॉडी, उसको भी मैंने हल्के गीले कपड़े से, साफ़ कपड़े से साफ कर लिया है, और सामने की तरफ जो ये फ़ैन का ब्लेड है, सॉरी ब्लाइंड है, इसको भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है। तो ये एकदम चकाचक हो गया हमारा कूलर, आगे और 3 महीने ये रेडी है बिल्कुल काम करने के लिए, और साथ ही मैंने इसकी टेस्टिंग भी कर ली थी और ये परफेक्टली चल रहा था। कई बार ऐसा होता ना, क्लीन करते करते कोई वायर हिल गई या ब्लेड काम नहीं कर रहा है फ़ैन का, तो वो भी चेक करना बहुत ज़रूरी होता है, तो मैंने देख लिया था, तो परफेक्टली वर्क कर रहा था। अब बारी आती है इंडक्शन क्लीनिंग की। तो इंडक्शन भी एक ऐसा इक्विपमेंट है जो आजकल घरों में यूज़ हो रहा है काफ़ी फ्रीक्वेंटली, मेरे घर में भी यूज़ होता है, मैं आधे से ज़्यादा कुकिंग इंडक्शन पे ही करती हूँ। तो ये भी जब इसका एग्जॉस्ट इस तरीके से चोक हो जाता है ना, बहुत सारी डस्ट इसके ऊपर लग जाती है फ़ैन के ब्लेड के ऊपर, एग्जॉस्ट के ऊपर, और ये पीछे की तरफ, तो ये क्या होता है, जल्दी जल्दी ओवर हीट होने लग जाता है। ओवर हीट होने से ना ये कई बारी काम करना बंद कर देता है,
तो अब ओवर ईट होगा तो जो इसका नॉर्मल टेम्परेचर है ना, स्टैंडर्ड टेम्परेचर जो होता है उस पर भी ये काम नहीं करता और फटाफट ये धीरे धीरे बंद होने लग जाता है। तो उस चीज़ को, वो चीज़ ना हो आपके साथ, आपके इक्विपमेंट के साथ वो जल्दी ख़राब ना हो, तो उसको भी आपको हर दो महीने में एक बार इसका एग्जॉस्ट फैन और साथ ही अंदर की प्लेट्स जो होती हैं खोल करके साफ़ करनी पड़ती हैं। मैं रेगुलर क्लीनिंग इसकी करती हूँ कपड़े से, बट इस तरीके से साफ़ करना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने लिए हैं ये दो ब्रश, ये मेरे डिस्कार्ड किए हुए ब्रश हैं पुराने, तो मैं इन्हीं से इनको साफ़ कर लेना है। अब तो यहाँ पे हस्बैंड ने खोल दिया है, काफ़ी सारे स्क्रूज थे इसके अंदर तो खोल दिया है। तो यहाँ पे देखिए, जहाँ पे ये बटन्स होते हैं ना ऑन ऑफ के और टेम्परेचर सेट करने के, इनके ऊपर भी देखिए फ़ैन की वजह से कितनी ज़्यादा धूल जमा हो गई है। साथ ही ये है कॉइल, हीटिंग कॉइल जो एक्चुअली गर्म होती है जब खाना बनता है, और उसके साथ ही उस तरफ है वो फ़ैन यानी एग्जॉस्ट जो इसको कूल डाउन रखता है। तो ये सभी चीज़ें जो हैं अब साफ़ कर लेंगे बारी बारी से। तो सबसे पहले यहाँ पे जो है ये एक बोर्ड लगा हुआ है छोटा सा, जिसके ऊपर ऑन ऑफ के बटन्स होते हैं और टेम्परेचर सेट करने के, टाइमर लगाने के बटन्स होते हैं। तो वहाँ पर जो धूल जमा है उसको ब्रश की हेल्प से हस्बैंड क्लीन कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ भी गीला कपड़ा यूज़ नहीं करना है, जितना हो सके इसको ड्राई क्लीन ही करना है। चाहे आप ब्रश से कर लें, चाहे आप कपड़े से कर लें, या आप इनको खोल करके कर लें। तो यहाँ पे हस्बैंड कर रहे हैं एग्जॉस्ट फैन को क्लीन, इस तरीके से भी कर सकते हैं, बट थोड़ा सा मुश्किल होता है ऐसे साफ़ करना ना, क्योंकि प्रॉपरली हाथ जाता नहीं है सही जगह पे जहाँ पे आपको सफाई करनी है एग्जैक्टली। तो यहाँ पे इसके ऊपर ना एक स्ट्रिप लगी होती है जिसके ऊपर ये फिक्स होता है, उसमें दो स्क्रूज होते हैं लेफ्ट और राइट साइड में, उनको ओपन कर लें तो ये आराम से बाहर निकल आता है। बाहर इस तरीके से निकालने के बाद आप इसको आराम से मॉइस्ट कपड़े से साफ़ कर सकते हैं, या तो टिश्यू पेपर से साफ़ कर लें, या फिर तो वाइप्स हों आपके पास मल्टीपर्पज़ वाली उससे कर सकते हैं। और देखिए अंदर बाहर की दोनों ही तरफ इस जाली पे पूरा डर्ट जमा हो गई है। तो ये बहुत बड़ा कारण होता है कि आपका इक्विपमेंट ठीक से काम नहीं कर रहा है, खास तौर से जब इस तरीके से एग्जॉस्ट वाले या फ़ैन वाले जो इक्विपमेंट्स होते हैं ना, उनको तो टाइम टू टाइम क्लीन करना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि बाहर की जो हवा होती है उनमें डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, जमा होते रहते हैं धीरे धीरे। तो वो जो इक्विपमेंट होता है ना, उसकी जो लाइफ है उसको भी ख़राब करते हैं, और साथ ही उनकी जो वर्किंग कंडीशन होती है ना उसको भी ख़राब कर देते हैं। तो अच्छे से यहाँ पे ब्रश से रगड़ रगड़ के इसको साफ़ कर लेना है, और ध्यान ये रखना है कि बहुत ज़्यादा खींचा तानी नहीं करनी है, अदरवाइज़ वायर भी लूज़ हो सकती हैं। बहुत ही हल्के हल्के हाथों से इसको साफ़ करना है। और हाँ, एक और चीज़ कि किसी केमिकल से इसको नहीं करना है, कोई भी केमिकल का स्प्रे इस पे नहीं करना है, कोई लाइज़ोल नहीं, कोई सरफेस क्लीनर नहीं, यहाँ तक कि जो कॉलिन होता है ना ग्लास क्लीनर उससे भी नहीं करना है। जितना हो सके आपको इसको ड्राई क्लीन ही करना है। पीछे की तरफ की जो ये जाली लगी रहती है ना, जहाँ से हवा अंदर बाहर होती है, एग्जॉस्ट होता है, कूल डाउन होता है आपका इंडक्शन, वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा धूल जमा रहती है। तो मैं उसको रेगुलर बेसिस पे भी करती हूँ जब मैं किचन क्लीन करती हूँ, बट समटाइम्स ना उतना ज़्यादा क्लीन हो नहीं पाता, क्योंकि हम लोग सिर्फ ऊपर ऊपर की बॉडी को साफ़ कर रहे हैं, अंदर की तरफ उसमें इतना ज़्यादा गंदगी जमा हो जाती है ना, तो इस तरीके की क्लीनिंग बहुत ज़रूरी होती है टाइम टू टाइम। और ये देखिए आगे की तरफ से कितनी ज़्यादा धूल इस पर जमा थी। और कई बारी ना जब मैं इंडक्शन के सामने ही कुछ कटिंग चॉपिंग कर रही हूँ ना, लाइक मैं अगर अनियंस को पील कर रही हूँ या मैं गार्लिक को पील कर रही हूँ, तो इसके फ़ैन के फ़ैन ना अट्रैक्ट कर लेता है सारे ना जितने भी ड्राई पीलिंग्स होती हैं या छिलके होते हैं उनको ना, और वो जाकर के फ़ैन के ऊपर चिपक जाते हैं, तो वो भी एक प्रॉब्लम होती है।
तो ये एग्जॉस्ट फैन हो गया है क्लीन। और अब बारी आती है पूरे के पूरे चैम्बर को अच्छे से साफ़ कर देने की। जितनी भी धूल एक्स्ट्रा मिट्टी रहती है वहाँ पे उसको अच्छे से साफ़ कर लेना है। बिना कोई खींचातानी किए यहाँ पे इसको हल्के हल्के हाथों से करना है। वायर्स लूज नहीं होनी चाहिए और बिल्कुल भी गीला कपड़ा इसमें आपको नहीं लगाना है। और इसको अच्छे से क्लीन करने के बाद एकदम से ऑन नहीं करना है। आप इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, क्योंकि कई बारी होता है ना, अगर कहीं से पानी की कोई ड्रॉप भी गिर जाए या मॉइस्चर अभी अंदर है, तो एकदम से ऑन करने से फिर उसमें ब्लास्ट हो सकता है या उस तरीके का कुछ शॉर्ट सर्किट हो सकता है। तो क्लीन करने के बाद इसको थोड़ी देर के लिए आप 10-15 मिनट के लिए छोड़ दें अच्छे से ड्राई होने के लिए, उसके बाद ही आप इस पर काम करना शुरू करें। तो ऊपर का हो गया है क्लीन, अब बारी आती है ये नीचे की प्लेट की, जिसमें ऑन ऑफ के बटन होते हैं, तो इसको भी बस अब कपड़े से ही साफ़ कर लेना है। ब्रश से तो इसकी क्लीनिंग अच्छे से हो चुकी है। तो यहाँ पे हस्बैंड ने हल्का सा पानी की ड्रॉप्स लगाई हैं कपड़े के ऊपर एक तरफ, तो अब इसको अच्छे से साफ़ कर लेना है। तो इसीलिए मैं कह रही थी कि इसको ना जब पूरा अच्छे से बंद कर देंगे ना स्क्रू लगा करके, तो मैं इसको 15-20 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दूँगी, ऑन नहीं करूँगी, ताकि ये अच्छे से ड्राई हो जाए और उसके बाद मेरा इंडक्शन जो है बढ़िया से काम करे। अब बारी आती है फाइनल क्लीनिंग की, तो यानी कि अपर बॉडी इसकी पूरी अच्छे से साफ कर देंगे, और उसके बाद इसमें जितने भी स्क्रूज हमने ओपन किए थे वो सारे के सारे स्क्रूज जो है हम लगा देंगे। तो बस यहाँ पे स्क्रूज जो हैं कस देंगे हस्बैंड, और बस मेरा ये जो इंडक्शन है नेक्स्ट क्लीनिंग तक के लिए बिल्कुल वर्क करेगा बढ़िया से। सो दैट्स इट फॉर द डे गाइस, आई होप यू एंजॉय दिस व्लॉग। आपको कुछ भी टिप्स एंड ट्रिक्स मिली हो इस व्लॉग से तो ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में आकर के। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो जाने से पहले लाइक ज़रूर कर दें। मैं मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ, टिल देन यू गाइस टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।